ऑफ हाइड्रोजन। लिखिए तो। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन विच दे आर लिंक्ड। हाइड्रोजन एटम का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो इस आधार पर होता है कि हाइड्रोजन एटम किस टाइप के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। एंड ऑन दिस बेसिस देयर आर, अब यहां रुकेंगे, जो बातें हम लिखे हैं ना पहले आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन का स्केलेटन है, ध्यान से देखिएगा इधर, ये कार्बन का स्केलेटन है। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? चार। तो जो बॉन्ड, जो कार्बन जितना बॉन्ड बनाया है उसके हिसाब से अपना देख लीजिए कि उसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा। इसमें कितना लगेगा? इसमें एक। अच्छा ये बताओ तो ये किस डिग्री का हाइड्रोजन है? 3 डिग्री का। तो इसमें एक हाइड्रोजन लगेगा ना, तो ये हाइड्रोजन 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को भी हम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगेगा, तीनों का तीनों हाइड्रोजन किस डिग्री का कहलाएगा? 1 डिग्री का, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री का है। यही बात आप लिखे ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन किस बेसिस पर? On the basis of types of carbon atom in which they are linked, जिस उस एटम के कार्बन के टाइप के आधार पर हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन होता है, जिस कार्बन एटम से वह हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो यहां से तो सिंपल बात है कि 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री से जो जुड़ेगा सेकेंडरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जो जुड़ेगा टर्शियरी हाइड्रोजन या 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री कार्बन से जो जुड़ेगा क्वार्टनरी हाइड्रोजन। बोल तो दिया, कितना आसान था। 4 डिग्री कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन जुड़ेगा? रे का ही नहीं जुड़ेगा, कार्बन पहले ही 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है, 5वां बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो बताइए इस आधार पर कितने प्रकार का हाइड्रोजन हो सकता है? मैक्सिमम 3 ही टाइप हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसलिए यहां पर हम R लिख के छोड़ दिए थे। ऑन दिस बेसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड ऑन दिस बेसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। लिख लीजिए तो 1, 2, 3 में प्राइमरी सेकेंड, मतलब लिख लीजिए प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, सबके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सबके ब्रैकेट में नहीं, मतलब जो करिस्पॉन्डिंग ब्रैकेट है उसमें 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच और 3 डिग्री एच। प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री एच, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 डिग्री एच, टर्शियरी हाइड्रोजन 3 डिग्री एच।
हो गया लिखा हुआ, देखो इधर, अब कुछ आगे लिखना मत। हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH3। पिछला दिन आप याद कीजिए, हम सिर्फ कार्बन का स्केल्टन लिए थे, आज कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी लगा दिए। वो हाइड्रोजन वहां भी लगा हुआ था, हाइड्रोजन यहाँ भी, वहां खाली दिखाई नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दिए। अब बताइए ये किस डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का। तो ये हाइड्रोजन किस डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। ये किस डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का। तो ये हाइड्रोजन किस डिग्री का होगा, 3 डिग्री H। ये कार्बन किस डिग्री का है, तो इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन किस डिग्री का होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि सबको हम दिखाएं, एक जगह 1 डिग्री, एक जगह 2 डिग्री, एक जगह 3 डिग्री दिखाई दिए। तो अब बताइए, तो इस आधार पर आप हाइड्रोजन का कैसे डेफिनेशन कैसे देंगे। हाइड्रोजन एटम व्हिच इज लिंक्ड विथ 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन, लिंक्ड विथ 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री के लिए 3 डिग्री को बोले। तो क्या डिफाइन करोगे कि ऐसे एग्जाम्पल से निकल जाएंगे आगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए कितना डिफाइन कर देगा बिना मतलब का। और यदि डिफाइन करना चाहें तो हम बता देते हैं, आप घर पर जाके लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन एटम व्हिच इज लिंक्ड विथ 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन, आगे फिर दूसरा नंबर और फिर तीसरा नंबर। जिस डिग्री के कार्बन से जोड़ोगे उस डिग्री का हाइड्रोजन बनेगा। इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। सीधे एग्जाम्पल बस लिख दीजिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। और वैसे भी आप देखिए ना, पहले ही आप एक बात लिख चुके हैं यहाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन। जो टाइप कार्बन का रहेगा वही टाइप हाइड्रोजन का होगा। आज इतना बढ़िया से समझ गए ना, 12th में जब जाओगे कहेंगे कि देखो ये कौन डिग्री का कार्बन है, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या है, काहे कि तब तक तुम इस बात को भूल चुके होगे। अभी नया नया सीखे हो याद है, धीरे धीरे आदमी भूल जाता है। 12th में जब जाइएगा तो 10 दिन पहले ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से 10 दिन पहले ही आपको दे दिया जाएगा नोटिस कि जितना बात पढ़े हैं सबको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद 1-2 दिन ताबड़तोड़ मार धार चलेगा पूरा, बीच बीच से पूछेंगे, खड़ा करके नहीं बताओगे तो मार लगेगा। उसके बाद स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक, क्योंकि अधूरा यहाँ पर 20% 30% बात यहाँ पढ़ेंगे, 70% बात वहाँ पढ़ेंगे। शुरुआत यहाँ ये 11th करेगा, ख़त्म करेगा 12th। बैठे आगे, लिखिए तो हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, अब उस कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इस क्लासिफिकेशन की सबसे पहले जरूरत क्यों है, इस बात को समझिए। कारण स्पष्ट करें, देखिए इधर, यहां पर 4 तरह के लोग जनरली पढ़ते हैं, 11th हिंदी मीडियम, 11th इंग्लिश मीडियम, 12th हिंदी मीडियम, 12th इंग्लिश मीडियम। कुल मिला के लगभग इस रेंज में, इस अराउंड में स्टूडेंट्स हैं। अब जरा बताइए कि इस 1200 को एक साथ हम क्लास में बैठा दें और कहें कि हम तुमको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो किसी का भी नीट पूरा हो पाएगा ढंग से? कोई 11th का चीज पढ़ेगा, कोई 12th का पढ़ेगा, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। तो बताइए कि इसका सिस्टमेटिक स्टडीज लोगों का, इन लोगों का हो पाएगा कभी भी? नहीं होगा। तो सिस्टमेटिक स्टडी बताइए तो कैसे होगा?
जब हम इस 1200 को क्लासिफाई कर दें, तभी तो आप पूछते हैं फोन करके कि सर 12th का बैच कब है, तो पूछा जाता है मीडियम क्या है, तो उसी समय हम उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि आपको, आप इस कैटेगरी के हैं तो आप इसमें आइए। जैसे आप 11th इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको इसी चीज़ का यही बात बताया जाएगा, और सबको एक ही बात पढ़ना है तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, हम यहाँ से लेक्चर देते रहते हैं, आप समझते रहते हैं। दूसरी बात, इतना आदमी को क्या अकेला हम कभी भी इंडिविजुअली पढ़ा पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है, इंडिविजुअली तो संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सबका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, अलग अलग बैच बनाना जरूरी है, एक साथ बैठा के सेम टाइप को एक बार में पढ़ा दें। एकदम एग्जैक्ट यही हाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड बहुत बड़ी संख्या में बनता है, बहुत ज्यादा मतलब करोड़ नहीं करोड़ों कंपाउंड बनता है, और इस सब का इंडिविजुअल स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैटेगरी वाइज बांट देते हैं ताकि हम उसका सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें। तो इसीलिए हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। लिखेंगे नीचे रो देखा, लिख लीजिए इस बात को भी, लिखो तो सिंस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो लार्ज, हेंस इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी देम इंडिविजुअली। क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी संख्या में है कि हम उसका इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर इसीलिए इन ऑर्डर टू हैव सिस्टमैटिक स्टडी these compound they have been classified as below। तो हम उसका सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें इस इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसके लिए जरूरी है कि हम उसको क्लासिफाई कर दें कुछ इस तरीके से। तरीका आपको नीचे बताया जाएगा। अब जो बात हम लिख रहे हैं ये आप लिखेंगे नहीं, है कि टेबल थोड़ा उल्टा पुल्टा बनेगा, पहले आप उसको देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप चाहें तो फिर क्लास में भी बना सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। क्लास में बनाएंगे तो थोड़ा ढंग से कोशिश कीजिएगा बनाने का, चेंज करें ना इसको, तो इसमें भी नहीं आएगा, बोर्ड पे भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा बोर्ड का। अभी लिखना मत तुम, ठीक है, इस पर काम हम थोड़ा कम किए, हो सकता है थोड़ा लिखने में दिक्कत हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले बांटा गया
दो भागों में, एक को कहा गया ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन। अच्छा एक काम करें, यहां पर इसका ना इस सब का ना कई नाम है, सब नाम को यहां नहीं लिखते हैं, कहे कि टेबल में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हम एक एक नाम यहां लिख देते हैं, बाद में जब सबको एक एक करके डिफाइन कर रहे होंगे एग्जाम्पल पर, तो वहां इसका सारा नाम लिख देंगे, ठीक है। तो पहला कंपाउंड क्या है, ओपन कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा क्या है, साइक्लिक चेन। इसी को ना स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बोला जाता है, और इसको साइक्लिक या साइक्लिक रिंग बोला जाता है, या इसी को रिंग चेन कंपाउंड भी बोला जाता है, इसी को एलिफेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है, या एलिफेटिक चेन कंपाउंड भी बोला जाता है। के हल्ला कर रहा है, करेगा बानर के तरह। अब सुनिए इधर, ओपन चेन को भी दो कैटेगरी दिया गया, ए नंबर, एक होता है अनब्रांच्ड चेन, अनब्रांच्ड चेन कंपाउंड, और एक दूसरा होता है, अभी लिखना मत ये लंबा जाएगा, क्या कि कॉपी में कैसे एडजस्ट होगा वो देखना बाद में। एक क्या होता है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ना, सुनिएगा ध्यान से, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको भी दो भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया क्या कहा गया, होमोसाइक्लिक, एक को कहा गया होमो साइक्लिक कंपाउंड, और एक को कहा गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ गए आप यहां तक? अब इतने नहीं है, इसके आगे भी है बात। अब आगे है उसको लिखें कैसे, एक सुनो इधर, इसमें क्या है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद इधर वाला चीज यहीं पर रुक जाता है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड वाला, और आगे बढ़ने लगता है इधर से, अब इसको बीच में ले लेते हैं। अब ये होमोसाइक्लिक में इसको बांटा गया फिर से दो भागों में, इसका ए बी करनी है तो इसका नंबर फिर चेंज करना पड़ेगा, इसको भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक को कहा गया एली साइक्लिक, और एक को कहा गया एरोमेटिक। एली साइक्लिक वहीं पर रुक जाता है, लेकिन एरोमेटिक आगे जाके फिर दो भागों में बट जाता है। मथाड़ प्रॉपर काम कर ना रहा है। एरोमेटिक को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक को कहा गया बेंजीन, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और एक को कहा गया नॉन बेंजीनोइड, नन बेंजीनॉइड। थोड़ी मिटो ना भाई, नन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इस सब का तो खैर एक एक नाम ही है, लेकिन आगे वाले का नाम और ज्यादा ज्यादा है।
अब आपके पेज पर ये कैसे एडजस्ट होगा ये आप जानिए। इधर सुनिए, इधर हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, शायद आपको यहाँ से अच्छा से दिखे ये। तो तुम भी पेज को ऐसे ही सिकुड़ा देना। अब देखो कैसे तुम्हारे पेज में एडजस्ट होगा, इसको लिखना पड़ेगा। ऐसे हम बता देते हैं कैसे एडजस्ट होगा ना, ये हम तुमको इजी वे में बताते हैं। सुनो एक काम करो, हमारे अकॉर्डिंग चलो बन जाएगा और अच्छा बनेगा। लिखो तो बिल्कुल बीचों बीच ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कह रहे हैं वैसे करो ना, अच्छा बनेगा। तुम बनाओ तो सही, हम इसको बड़ा कर रहे हैं, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करो एकदम। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना बीच बीचों बीच ऑर्गेनिक कंपाउंड, तुम भी लिखो, लाइन खींचो एक तरफ एकदम लेफ्ट साइड लिखो ओपन चेन, और एकदम राइट साइड लिखो साइक्लिक चेन। जैसे कर रहे हैं वैसे करो, एकदम अच्छा बनेगा, टेंशन नहीं लो, है ना। एक तरफ लिख लो ओपन चेन कंपाउंड, दूसरी तरफ साइक्लिक चेन। अच्छा अब सुनो, इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या किए और तुमको क्या करना है उसमें अंतर बता देते हैं। हम क्या किए कि चारों को एक साथ लिख दिए, तुम चारों को एक साथ लिखोगे तो शायद उतना जगह तुमको नहीं बचेगा। तो तुम क्या करना, यहां देखो हमको देखो क्या कर रहे हैं, इसको जो है थोड़ा लंबा करके लिख लो, और नीचे से एक लाइन नीचे ले आओ, नीचे करके तब उसको पूरा पेज कवर करो, तब तो हमारे ख्याल से वो पकड़ लेगा। समझ में आया कि क्या करना है। इसको एडजस्ट कर लो अब एक लाइन में, और थोड़ा सा जगह राइट साइड छोड़ देना ताकि एक लाइन नीचे उतर सके, और नीचे ले जाके तब फिर उसको क्लासिफाई कर देना। और यही काम आगे के लिए करो फर्दर स्टेप में, तो हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा। या फिर अब तुम्हारे अंदर जो कला है उसका प्रदर्शन करो वहां बैठा। हमारे अंदर कला था, हम बड़ा लिख के छोटा कर दिए, तुम भी इसका प्रदर्शन करो। इसका सब नाम लिखते तो और एडजस्ट नहीं होता। तो बस इतना ही है। हाँ एक और है, थोड़ा ही ऊपर कर रहे हैं, इतना तक चलेगा, यहीं पर ही ये इंड हो जाएगा। जैसे हम बोले ना एडजस्ट करने वैसे करो तो दिक्कत नहीं होगा।
कुल मिला के कितना टॉपिक है इसमें, गिन के बताओ तो, सब टाइप मिला के। 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, दो ऊपर है, 8 तो इस बोर्ड पर भी दिख रहा है स्लाइड में, दो ऊपर गया। अब इस 10ों को एक एक करके डिफाइन करेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट होगा। अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, अभी कुछ पढ़ेंगे। हो गया लिखा हुआ इसमें, लेकिन कलर बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है लिखने के लिए इसमें, लेकिन अक्षर बानर जैसा होता है। चलिए लिखिए। तो पहला पहला क्या मतलब, सुनो इसको ना पहला वाला मत दो, डायरेक्ट स्टार लगा के लिख लो, ठीक है? स्टार लगाइए, लिखिए। तो क्या था पहला? ओपन चैन। ओपन चैन कंपाउंड क्या है या साइक्लिक कंपाउंड क्या है या एलिफैटिक कंपाउंड क्या है, ये सब एक ही बात है। एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक नहीं, एसाइक्लिक, ये ठीक उसमें ना लिखे थे वो अलग है, ये अलग है। साइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग, और एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग नहीं होगा, ये यहां प्रीफिक्स है जो नॉट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक लिखा हुआ, ऊपर करें या नीचे? अभी तक उधरे हैं ऊपरे? अच्छा ठीक है, बुझा रहा है कि आज आप शुरू नहीं होने दीजिएगा। क्या जी नहीं हुआ अभी तक? डिफाइन कीजिए तो, बाद में जो छोटा है ना लिख लीजिएगा, पहले इसको डिफाइन कीजिए तो हम रहने देंगे इसको बोर्ड पे। ये पहला पॉइंट था, लिखेंगे लिखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड In which all the carbon atoms present in molecule are in open chain structure. Is called open chain या acyclic chain या aliphatic compound। Example, CH3, CH2, CH2, CH3। आगे का एग्जाम्पल CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3। ये सब ओपन स्ट्रक्चर है,
ये कितना टाइप का होता है, देखिए ना वहां कितना टाइप चेंज किए हैं, दो तरह का लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड, ए नंबर क्या था, पहला अनब्रांच था ना, इसको बोलते हैं अनब्रांच्ड चेन और स्ट्रेट चेन, अनब्रांच्ड चेन और स्ट्रेट चेन कंपाउंड। लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच नो वन कार्बन एटम ऑफ द चेन शुड बी linked with more than organic compound in which no one carbon atom of the chain should be linked with more than two carbon atom is called unbranched chain compound। हो गया लिखा हुआ, एग्जाम्पल इधर देखिएगा, आप इसी कम आप इसी को और करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए तो ये चीज लिखा हुआ और ये चीज लिखा हुआ एक ही है कि नहीं, इसमें आप हाइड्रोजन यदि जोड़िएगा तो कहाँ कितना जुड़ेगा बोलिए, यहां पर तीन, यहां पर दो 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 दो, यहां पर तीन, सेम वही चीज है यहां भी, यहां पर जुड़ेगा तीन दो 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 तीन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात को समझने का प्रयास कीजिए, जरा बताइए तो इधर देखिएगा सभी लोग, ये वाला जो कार्बन एटम है ये कितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, दो से, ये वाला दो से, ये वाला जितना बीच में है वो सब दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है और लास्ट वाला एक से, ये आप इसमें एक भी कार्बन एटम ऐसा ढूंढ के दिख लाइए तो जो दो से अधिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो या थ्री डिग्री का कार्बन हो, कोई ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित है ये अनब्रांच्ड होगा, काहे कि जैसे ही ब्रांचिंग स्टार्ट होगा तो बीच में कहीं ना कहीं कार्बन जुड़ेगा और बीच में कार्बन जुड़ेगा तो इधर कार्बन ब्रांचिंग होगा तो ये तीन कार्बन से ना जुड़ने लगेगा। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच नो वन कार्बन एटम ऑफ द चेन शुड बी
एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें चेन का कोई भी कार्बन एटम, नो वन कार्बन एटम ऑफ द चेन शुड बी लिंक्ड विथ मोर देन टू कार्बन एटम्स, मतलब कोई कार्बन ऐसा नहीं होना चाहिए जो दो कार्बन एटम से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और इसमें वैसा ही है। पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इसमें पहचानने का तरीका एकदम साधारण सिंपल है, वो स्ट्रेट चेन में चलता रहेगा, कहीं पर बीच से कोई डेविएशन नहीं आएगा। कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं, थोड़ा देखिएगा इधर, यदि ऐसा लिख दिया जाए तो CH2 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 CH3, बताइए तो ये ओपन चेन है या साइक्लिक चेन है? ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसको सुनो इधर, इसको गोल घुमा के लिख दें, या इसी को हम कितना कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसी को हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखा दें। इसमें खाली हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया, उसमें हाइड्रोजन दिखाया गया, और ज़्यादा परेशानी है तो इसमें हाइड्रोजन को भी तुम दिखा दो। तो ऐसा बना हुआ हो या ऐसा बना हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पहला बात कि ये ओपन स्ट्रक्चर है, और दूसरा ओपन में भी ये कैसा है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांचिंग होगा तो कहीं ना कहीं बीच से एकाध वो कार्बन जुड़ जाएगा, और जैसे ही कार्बन जुड़ेगा, अच्छा इसका एक और पहचान है, इसमें केवल इंड दो ही होता है, अनब्रांच्ड में केवल दो ही इंड होता है। देखिए एक इंड ये है, एक इंड ये है ना जी, और एक इंड ये है, बताइए तो और कहीं इंड है? ये इंड आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर है, ये इंड नहीं है, यहाँ भी एक इंड ये है, एक इंड ये है। अच्छा इसमें बीच में यदि तुम कार्बन जोड़ोगे, अब बताओ एक इंड ये भी ना हो गया? तो अनब्रांच्ड में दो ही इंड होता है, ब्रांच्ड में हमेशा तीन या तीन से अधिक इंड, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होता जाएगा उसमें नंबर ऑफ इंड्स बढ़ते जाएंगे। तो ये सब पहचानने का तरीका है, आप इस एग्जांपल को भी उतार के आज के लिए छोड़ दीजिए, यहीं तक, लेट हो जाएगा बहुत। क्या हुआ, क्या बोले? हाँ बोलवे बहुत करते हैं, ब्लैक ही अच्छा था लेकिन रिकॉर्डिंग में यही अच्छा आ रहा है, हमको कैसे पता, हम देख रहे हैं ना सब। इसका बी नंबर कल पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत भी है? तीन आदमी, तुम और तुम, तीनों को बोले थे, और कोई था? चौथा ने उसको तो माफ कर दिए थे, और कोई था? तुम तीनों फेड का कॉपी दिखाएगा कल, आ जाओ कल।